फाइनली Realme एंटर करने जा रहा है दोस्तों टैबलेट और लैपटॉप के सेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, 15th ऑफ जून को Realme का ग्लोबल लॉन्च होने वाला है। उसी दिन आपको Realme GT देखने को मिलने वाला है और उसी दिन वो टेक लाइफ नई इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें आपको Realme टैबलेट और Realme लैपटॉप का इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो क्या होने वाला है, क्या है एक्सपेक्टेड, अब तक क्या लीक हाथ में आए हैं, तो ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर आप Realme के फैन हैं तो आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखना। तो सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों Realme GT के तरफ, और जैसे ही 15th ऑफ जून को Realme GT लॉन्च होता है उसी के कुछ दिनों बाद ये इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है। तो Realme GT में आपको Snapdragon 888 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि ड्यूअल 5G होगा, और उसी के साथ आपको इसमें 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है विथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी आपको देखने को मिलेगी और इसको हाथ लगाने वाला है दोस्तों 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग। और अगर आपको कैमरा भी चाहिए होगा तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल ऐसे करके हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि एक बेहतरीन सेल्फी लेने में मदद करेगा, और उसके साथ आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिलने वाली है, ये भी कन्फर्म हो चुका है। और इंडिया की माने तो ये अराउंड 30 to 32K के अराउंड लॉन्च हो सकता है, लेकिन ये प्राइस में Snapdragon 888 देना बहुत बड़ी बात बन जाती है। अगर इस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में आता है तो बहुत तबाही मचने वाली है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको अगले मंथ Nord 2 भी देखने को मिलने वाला है, जो कि Dimensity 1200 के साथ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। अगली बात है दोस्तों Realme लैपटॉप के बारे में। जी हाँ, तो Realme शुरू करने जा रहा है अपनी नई लाइफ Realme टेक लाइफ, इसी में आपको दोस्तों Realme लैपटॉप का लॉन्चिंग देखने को मिलने वाला है। इसी का दोस्तों नाम होगा Realme Book। थोड़ा सा MacBook से ये मिलता जुलता है और लुक भी MacBook से मिलता जुलता ही आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ इमेजेस लीक हुए हैं दोस्तों, जिसमें आपको सिल्वर कलर में ये देखने को मिलता है। डिस्प्ले के साइड में देखें तो आपको दोस्तों यहाँ पे थिन बेजल्स देखने को मिलते हैं, यानी हमें एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ दोस्तों बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिलता है और कुछ कूलिंग वेंट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी इसी सिल्वर कलर में ये पूरा कॉम्पीट करता है दोस्तों मैकबुक के साथ। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि आपको विंडोज 10 पे रन होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ ये बहुत पतला भी हो सकता है, ऐसा लीक्स बता रहे हैं, और ये टोटल एल्यूमिनियम के केसिंग के साथ आने वाला है। तो आपको कैसा लग रहा है ये फर्स्ट इंप्रेशन में Realme Book, आप हमें ये कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल तो कंपनी ने कुछ भी लीक किया नहीं है, लेकिन 15th ऑफ जून को जैसे कुछ आता है हम आपके लिए वीडियो सबसे पहले लेके जरूर आएंगे दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों Realme टैबलेट के बारे में बात करें तो इसी को कहा जा रहा है Realme Pad, जो कि iPad से ही मिलता जुलता है। फिर से अगेन सिल्वर कलर भी लीक हुआ है, और ज़्यादा कुछ लीक हुआ नहीं है स्पेसिफिकेशंस के बारे में, लेकिन एक फ़ोटो लीक हुआ है जिसमें आपको ये थोड़ा सा पतला भी दिख रहा है सिल्वर कलर में। और दोस्तों ड्यूअल कैमरा लीक हुए हैं, और ऐसा लीक्स का माने तो एंड्रॉयड पे ये रन होने वाला है। तो क्या स्पेशल होता है इसी Realme टैबलेट में या फिर Realme पैड में, ये आपको आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। दो दिन हमें इंतज़ार करना होगा और फिर पूरा हिसाब होगा Realme Book का, Realme पैड का, और Realme GT का तो ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है आप Realme के फ़ैन हो तो आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बात लगी होगी, और क्या आप इंटरेस्टेड हो Realme Book और Realme पैड में, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और उसी के साथ दोस्तों अगर आप अंडर 25,000 एक फ़ोन लेना चाहते हो, जून में एक बेस्ट फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो आपके सामने एक वीडियो हमने मौजूद किया है, तो जल्दी से जाइए, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों।